बढ़ती उम्र के साथ व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बदलाव आता है। ढलती उम्र अधिकांश अंगों को प्रभावित करती है। उम्र अगर 70 के पार हो तो मान लिया जाता है कि व्यक्ति का आधा से ज्यादा समय अब बिस्तर पर होगा और चलना फिरना लाठी डंडों के सहारे होगा। अमूमन ऐसा होता है, लेकिन दिल्ली के करोलबाग के रहने वाली उमा शर्मा जी ने उम्र के इस पड़ाव पर इस भ्रम को काफी हद तक गलत साबित कर दिया है। उमा शर्मा जी की उम्र 75 साल है और वो एक हाउसवाइफ है। उमा जी के पति इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। परिवार में 2 बेटे और 2 बेटी हैं। सभी को उमा शर्मा ने इतनी अच्छे से परवरिश और एजुकेशन दी है कि अब सभी एक बेहतरीन मुकाम पर हैं। मेरे घर में मेरे हस्बैंड की डेथ तो 2 साल पहले हो चुकी है, लेकिन मैं हूँ। मेरे 2 लड़के हैं, दोनों इंजीनियर हैं, वेल सेटल्ड हैं। दोनों बहुएं हैं, वेल सेटल्ड हैं। 2 लड़कियां हैं, दोनों वेल सेटल्ड हैं। बड़ा लड़का इंजीनियर है, कैरियर में बहुत अच्छी पोस्ट पे है। छोटी उनकी मिसिज है, वो टीचर है स्कूल में। उसके बाद मेरी लड़की है, उसके दोनों लड़के कनाडा में सेटल्ड हैं, बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं। 30-31 साल के हैं, 1-28 साल का है। शादी कर दिए कि दूसरी शादी करेंगे अभी। फिर तीसरा लड़का है, वो भी वेल सेटल्ड है, इंजीनियर है, अहमदाबाद में है। उसके बच्चे भी बीटेक कर रहे हैं कि बीटेक कर चुका, नौकरी कर रहा है, और दूसरा बीटेक कर रहा है पटियाला से। उसका 3रा साल है, 4था साल है शायद जी। और लड़की है मेरी सब छोटी, वो 43 साल की है। वो किरोड़ीमल कॉलेज में फिजिक्स की प्रोफेसर लगी हुई है, अब लीडर बन जाएगी, उसकी प्रमोशन हो जाएगी। उसकी 2 लड़कियां हैं, 4 बच्चे हैं मेरे, चारों वेल सेटल्ड हैं, और मैं हाउसवाइफ हूँ। मैंने 1967 में मेरी शादी हुई थी। मैंने तब ग्रेजुएशन की थी इंद्रप्रस्थ कॉलेज ऑफ वुमेन अलीपुर रोड पर से। मैंने उस वक्त बीए पास किया था, तभी मेरी शादी हुई थी जब मैं 20 साल की थी। और मैं सर्विस करना चाहती थी, लेकिन हस्बैंड कहते थे कि नहीं, घर संभालो, बच्चे जो नहीं संभाल पाएंगे अगर तुम सर्विस करोगी तो। इसलिए मैंने पूरा घर संभाला। 75 वर्ष की उमा शर्मा सुबह 5 बजे ही बिस्तर छोड़ देती हैं। वो अपने घर के सारे काम भी खुद ही करती हैं। सीढ़ियां चढ़ना हो या लंबी दूरी पैदल ही क्यों ना चलना हो, वो इस उम्र में बखूबी कर पाती है। उनकी दिनचर्या पूरी तरह से अनुशासित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उमा शर्मा दिल की मरीज हैं। उनके आर्टरी में 90% का ब्लॉकेज था, जिसकी सर्जरी साल 2021 में हो चुकी है। इस उम्र में इतनी बड़ी सर्जरी के बाद इस हद तक फिट रहना किसी माइलस्टोन से कम नहीं। पिछले साल 2021 में मेरे स्टेंट डला था, तो मेरे को 90% ब्लॉकेज थी एक आर्टरी में। तो उसके बाद में फिर मैंने उनको उनका चैनल पे नंबर देख करके उनको फ़ोन किया, तो वहाँ कंपनी से उन्होंने उठाया डॉक्टर ने, और मेरे को बताया कि तुम क्या तकलीफ़ है तुम्हें। मैंने कहा कि मेरी शुगर बढ़ गई है ज़्यादा, और मैं नहीं चाहती कि मैं इंसुलिन पे जाऊँ और उसके बाद मैं फिर डायलिसिस पे जाऊँ। इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया है यहाँ पर। उन्होंने कहा नहीं, आप ऐसी अब नौबत नहीं आएगी, और आप हमारे से दवाइयाँ लें। उन्होंने गोंद जामुन और एच केयर लेने के लिए मुझे सलाह दी, और बोले कि हम ये आपको भेज दें। मैंने कहा भेज दो, बिल्कुल। उन्होंने भेजी और मैं उनका वो बराबर दवाइयाँ लेती रही। अब उसके बाद में फिर उनका बार बार फ़ोन आता था और पूछते थे आपका क्या हाल है, हम आपका हाल पूछते रहेंगे, आपका ख्याल रखते रहेंगे। वो बराबर मेरे से पूछते थे और मैं बतलाती थी उनको मैं ठीक हूँ। उमा शर्मा जी का इतना फिट होना लोगों के लिए एक जिज्ञासा का विषय बन चुका है। उन्हें बाहरी ही नहीं अंदरूनी तौर पर इतना फिट देखकर उनके डॉक्टर भी हैरत में पड़ जाते हैं। दरअसल 60 साल के बाद शरीर में बाहरी ही नहीं अंदरूनी तौर पर भी कई बदलाव आते हैं। इस उम्र में ज्यादातर लोगों को बुढ़ापे से होने वाली समस्याओं से गुजरना पड़ता है। बुढ़ापा आते ही शरीर का मेटाबॉलिज्म कमजोर हो जाता है, मसल्स मास कम हो जाता है, साथ ही बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। उमा शर्मा जी भी दिल की मरीज बनी,
लेकिन वो बताती हैं कि जैसे ही उन्होंने हकीम सुलेमान खान साहब के यूनानी नुस्खे अपनाने शुरू किए, शरीर में बदलाव आने लगे, काफी हद तक वो रिकवर हुई। जिस उम्र में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा परेशान करती है, उस उम्र में वो गुड कोलेस्ट्रॉल की बधाई के पात्र बन गई हैं। मैंने डॉक्टर साहब बताते थे कि ये नींबू अदरक और लहसुन का पेस्ट बना करके 1-1 किलो का और सिरका मिला के, जैतून का सिरका मिला के ये लिया करो, इससे भी ब्लॉकेज नहीं होती है, ये ब्लॉकेज को ढूंढ ढूंढ के निकालता है। इससे मैं बहुत इम्प्रेस हुई और मैंने वो बनाया घर में और वो मैं लेना शुरू मैंने करा दोनों टाइम। उसका इतना असर अच्छा हुआ उस जो मैंने बनाया था कि जब मैंने 3 महीने बाद स्टन डालने के 3 महीने बाद मेरी पूरे बॉडी के जब चेकअप हुआ और मैं डॉक्टर को दिखाने गई तो डॉक्टर ने ये बोला तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा है, तुम्हारा गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और बैड कोलेस्ट्रॉल कम है जी, बहुत अच्छा चल रही है तुम। मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं ये ले रही हूँ, लेकिन मेरे को मालूम है अंदर से मैं ये ले रही हूँ, इसकी वजह से मुझे ये फर्क पड़ा है, मेरा कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल अच्छा था। इस मॉडर्न और साइंस के जमाने में भले ही यूनानी औषधि और घरेलू नुस्खे अजीब लगे, लेकिन उमा जी बताती हैं कि इस उम्र में उन्होंने हकीम जी द्वारा बताए वो लहसुन अदरक नींबू के सिरके और रसायन नमक से अपने आप को काफी हद तक संभाल लिया है। इसके अलावा वो खुद को फिट रखने के लिए और भी कई घरेलू नुस्खे अपनाती हैं। वो बताती हैं कि इन्हीं सब नुस्खों से उन्होंने अपने शुगर को भी कंट्रोल किया। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है उनका। मैं जो 6 चीज़ों को उन्होंने बता रखा है, धनिया मेथी वगैरह, धनिया मेथी सौंफ अजवाइन सौंठ वगैरह का बना के पाउडर, नमक जैतून के साथ मैं वो भी लेती हूँ एक टाइम रोज जी। 5 बार गर्म पानी भी पीती हूँ उनके बताए अनुसार, जितना वो बताते हैं वो सारा मैं फॉलो करती हूँ। 5 बार गर्म पानी भी दिन में पीती हूँ, ठंडा पानी फ्रिज का बिल्कुल नहीं पीती जी, और नॉर्मल पानी पीती हूँ या गर्म पानी पीती हूँ। रात को सोते से मैं सिरका जैतून का पी के सोती हूँ, जिसकी वजह से मेरी शुगर भी ठीक है, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। डॉक्टर ने जब मेरे को चेकअप किया अभी 6 महीने बाद दोबारा इको टेस्ट मैंने कराया तो कहते हैं डूइंग वेल, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत अच्छा चल रही हो। वहाँ के डॉक्टर्स ने भी बोला अम्मा आप इतना चल लेती हो इस उम्र में, क्या राज है, हम तो इस उम्र में शायद चल ना पाए, अब मैं उनको क्या बताऊं कि मैं क्या कर रही हूँ। उमा शर्मा जी खुद तो यूनानी नुस्खा इस्तेमाल करती ही हैं, बल्कि अब वो औरों को भी नुस्खों से ठीक कर रही हैं। उन्होंने अब तक करीब 10 से 12 लोगों को इन नुस्खों से रूबरू करवाया। यहाँ तक कि उमा शर्मा जिस डॉक्टर से अपना रूटीन चेकअप करवाती हैं, उन्होंने भी उनके सेहतमंद होने का वो सीक्रेट नुस्खा मांग लिया। लेटे लेटे जब मेरा स्टेसी को हो रहा था उसके बाद में उन्होंने चेकअप के मैंने बताया, मैं बेटा मैं ये लेती हूँ 6 अदरक नींबू और लहसुन का रस निकाल के और सिरका मिला के मैं ये लेती हूँ, तुम भी लिया करो जी। कहते अच्छा अम्मा, और बोले कि हमें थायराइड है हमारे को, हम कोई दवाई बताओ। मैंने कहा बताऊँगी, मैंने कहा मेरा नंबर नोट कर लो, मुझे फ़ोन करके पूछना जी। तो उन्होंने मैंने से पूछा थायराइड के लिए। अब जिसको भी कोई मेरे से मिलता है मैं हकीम साहब के सारे नुस्खे उनको बताती हूँ, कोई भी मिलता है। मेरे दोनों लड़कों को मैंने ये बना के दिया पेस्ट सिरका मिला करके, हमारे पड़ोसी हैं उनको भी, मैं गई थी हरियाणा गई थी वहाँ पर भी किसी को दर्द था घुटनों में, उनको मैंने कहा तुम दवाई मंगाओ गोंसिया और अलसी का पाउडर लो साथ में। तो मैंने फ़ोन करके कंपनी में फ़ोन करके वहीं पर दवाई मंगाई जी, और उनको जब तक दवाई नहीं आई जब तक मैं अपनी दवाई में से उनको रोज़ दोनों टाइम दवाई देती रही गर्म पानी से। और अब वो पूना चले गए हैं और वो उनसा मैं उनका हाल पूछती रहती हूँ कि आपका क्या हाल है, आप दवाई ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, आप ठीक हो जाओगे। मैं सबको हकीम जी के सारे नुस्खे बताती हूँ, मैं खुद फॉलो करती हूँ, एलो प्राश अखरोट प्राश गोंद चिलकोजा और ये गोंद सिया और गोंद मोरिंगा और जैतून का नमक और ये सब मेरे पास हैं, गोंद जैतून का सिरका सब मेरे पास हैं, मैं सब चीर लेती हूँ डॉक्टर साहब की बताई हुई।
और मैं उससे बिल्कुल स्वस्थ हूँ जी। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई मेरे को सांस फूलता और ना मेरे को कोई प्रॉब्लम है। आज हकीम जी उमा शर्मा की जिंदगी का वो हिस्सा बन चुके हैं जिसे वो भूले नहीं भूल सकती। उमा शर्मा जी अपने सेहतमंद जीवन का सारा श्रेय हकीम सुलेमान खान साहब को देती है। उमा शर्मा का कहना है कि जो कोई भी अपना जीवन बिल्कुल रोग मुक्त होकर जीना चाहता है उन्हें हकीम साहब के नुस्खे को फॉलो जरूर करना चाहिए।